हेलो गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से आप पैरामेट्रिक फैमिली बना सकते हैं। विंडो की फैमिली आपको बनाना है, डोर की फैमिली आपको बनाना है, या किसी भी पैरामेट्रिक टेबल की फैमिली बनाना है। पैरामेट्रिक का मतलब होता है जिसका पैरामीटर चेंज कर सके, हाइट, लेंथ, विड्थ, जिस भी फैमिली का आप चेंज कर सकते हैं वो एक पैरामेट्रिक फैमिली होता है। तो बहुत इजी वे में आज समझाया जाएगा कि एक विंडो की फैमिली में किस तरीके से पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। वो पैरामीटर चाहे मटेरियल्स को लेकर हो या फिर आपकी लेंथ, विड्थ, हाइट लेकर हो, उसमें हम प्रॉपर मटेरियल सप्लाई करना सीखेंगे और किसी भी कंपोनेंट या किसी भी फैमिली में आप सेम ही तरीके से रेफरेंस प्लेन की हेल्प से पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आप हमारा लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच अभी ऑनगोइंग है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हमने रैबिट आर्किटेक्चर का कोर्स रखा हुआ है, जो कि कॉस्ट बिल्कुल नॉमिनल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 100+ आवर्स के आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे और लाइव सेशन आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। देर ना करें और इनरोल कर सकते हैं आप रैबिट आर्किटेक्चर के लाइव बैचेस के लिए। इसी के साथ हम विंडो का पैरामेट्रिक फैमिली क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम विंडो एक बनाते हैं और विंडो का पैरामीटर लेते हैं। फाइल, वही सेम न्यू फैमिली। न्यू फैमिली में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाता है विंडो। विंडो है हमारे पास ओपन। विंडो में आपको जाना है और सिर्फ आपको फैमिलीज लेनी है। विंडो की विड्थ कितनी रखनी है सिलेक्ट करिए आप यहाँ से, और विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हैं। 4 फिट की चाहिए विंडो, 3 फिट की चाहिए तो रैंडम आप रख सकते हैं। ये जो पैरीमीटर है, ये पैरीमीटर हम लॉक कर देते हैं। अब ये लॉक कैसे होता है पैरीमीटर, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बाय डिफॉल्ट जब आप लेंगे तो लेंथ और विड्थ तो आपको मिले ही मिलेगी, बट आपको मिडल में एक स्पोर्ट बनाना है या मिडल में भी पैनल बनाना है तो किस तरीके से आप पैरीमीटर ऐड कर सकते हैं। ये जैसे ही आप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे विड्थ दिखा रहा है, लेबल क्या आ रहा है विड्थ, और यहाँ पे विड्थ का साइज आ रहा है। यहाँ पर आप जाके देखते हैं तो इसकी एडिट टाइप प्रॉपर्टी फैमिली टाइप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ अभी आपके पास शो हो रही है। हाइट जो है वो 4 फिट है, विड्थ जो है वो 5 फिट है। मैं इसकी विड्थ जो है वो 4 फिट कर देता हूँ और ये जो हाइट है उसको 5 फिट कर देता हूँ। अप्लाई। अब इसके अलावा तो कोई पैनल नहीं दिख रहा आपको, रफ विड्थ और रफ हाइट दिख रहा है सिर्फ, ठीक है, और मटेरियल का भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ 4 फिट हो गई विड्थ। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सटीरियर पे जाके देखिए तो हमारी कुछ विंडो इस तरीके की है, बट मैं चाहता हूँ कि विंडो हमारी कुछ इस तरह की हो, नीचे का पैनल अलग हो और ये पैनल आपका अलग हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे रेफरेंस प्लेन है टॉप, ये हो गया हमारा सिल लेवल, ये हो गया हमारा साइड विड्थ, ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब मुझे एक यहाँ पर जैसे एसी की फिटिंग के लिए 2 फिट का हमारा पैनल होता है विंडो में, तो वो सब बनाना है। तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, रेफरेंस लाइन लेता हूँ, ठीक है। या तो आप सेम लाइन को सेलेक्ट करके CS प्रेस कर दीजिए, या फिर आपके पास यहाँ पर होता है रेफरेंस प्लेन। अब रेफरेंस प्लेन मुझे चाहिए यहाँ से और यहाँ तक। इस रेफरेंस प्लेन को मैं, ये पैरामीटर ऐड करना, ये हर एक चीज में इसी तरीके से अप्लाई होता है, सेम वे है। रेफरेंस प्लेन ऐड किया, अब यहाँ पे देखिए कोई भी नेम नहीं आ रहा, क्लिक नेम, बट नेम कब डिफाइन करेंगे, अभी हम इसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं। जो हमें ऊपर का पैनल रखना है वो 2 फिट का रहे या 1.5 फिट का रहे, 1 फिट 6 इंच, ओके। अब 1 फिट 6 इंच जो पैनल आ रहा है इसको सिलेक्ट करिए आप। ये जो डायमेंशन हम लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारी डायमेंशन में इस तरफ लगा देता हूँ। इस डायमेंशन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर जाइए आप, ठीक है। यहाँ पर होता है जब मटेरियल ऐड करना हो तो यहाँ पे आता है आपका पैरामीटर। जब आपको पैरामीटर लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी आपको ऐड करना हो मेजरमेंट के साथ, तो यहाँ पर पैरामीटर आ रहा है, क्रिएट पैरामीटर। अब क्रिएट पैरामीटर में आ गए और हमने यहाँ से कर दिया मिड, ठीक है, मिड पार्ट ऑफ विंडो और एंड, ओके, ठीक है, इतना पार्ट कर दिया। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, ये टॉप आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ मिड। ये जो हमने सेंटर में प्लेस किया रेफरेंस प्लेन, उसका नेम है मिड, ओके। और जो विड्थ है वो आप लॉक करें तो लॉक कर दीजिए, उसी के साथ ये साइज चेंजमेंट होगा, ठीक है, ओके किया हमने। अब आप यहाँ पे जाइए पैरामीटर में सिलेक्ट, तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, मिड पार्ट विंडो। अब मिड पार्ट विंडो में क्या हमने पैरामीटर ऐड किया है, अगर परफेक्ट पैरामीटर हमारा ऐड हुआ है तो मैं यहाँ पर अगर साइज चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पे किया था वहां हो गया, तो यहाँ पे जब मैं करूंगा तो वहां भी चेंज होना चाहिए। तो जो मिड पार्ट आ रहा है उसका मैं हाइट रखना चाहता हूँ 2 फिट, अप्लाई एंड देन अप्लाई। तो यहाँ पर भी देखिए ऑटोमेटिकली 2 फिट हो गया है, क्लियर। इस तरीके से आप विंडो की फैमिली बनाएंगे। अब ये मिड पार्ट हो गया, अब हमें विंडो बनाना है। तो विंडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट एक्सट्रूजन,
यहाँ पर आप सेम विंडो का पार्ट बना दीजिए, ओके। अब तो 50 mm का हमें विंडो पैनल चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जो हमारा विड्थ है -50, ऑफसेट क्या करेंगे इसका -2 inch, ठीक है। जब भी आप यूनिट ज़्यादा रखते हैं तो उस तरीके से ये आपका 2 inch का फ्रेम आ गया, ठीक है। फ्रेम आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमारा दो इंच का पैनल आना चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, मूव कर दिया ऊपर 1 inch, ठीक है, सिलेक्ट किया कॉपी, नीचे मूव कर दिया इसको 2 inches, सेम वही है पैनल आ गए, यहाँ से क्रिएट, और इस फॉर्म को हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके, दिस साइड एंड देन ट्रिम हेयर। इतना पार्ट हो गया जो कि हमारा विंडो का फ्रेम रेडी हो गया। 3D में आप जाके देखिए विंडो इस तरह की आ गई। हमें कहाँ रखना है, वॉल के चारों तरफ रखना है उसको, सिलेक्ट, ये हमारा जो विंडो का पार्ट हो गया। अब क्या करना है, हमें ग्लास लगाना है या लूवर लगाना है, जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मैं फिर से एक्सट्रूजन में जाता हूँ और यहाँ से सेट प्लेन, पिक ए प्लेन एंड ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सेम एक्सट्रूजन की हेल्प से ही मैंने यहाँ पे एक फेस, जो फेस सेलेक्ट किया था उसके ऊपर परफेक्ट फैमिली क्रिएट करनी है हमें, जिसको हम ग्लास मान रहे हैं। यहाँ से थिकनेस कितनी होनी चाहिए ग्लास की, तो हम यहाँ से रखते हैं 0.8, ठीक है, ओके। और जो नीचे है वो भी मैं ग्लास ही मान लेता हूँ। या आपको अलग कोई विंडो चाहिए, ये यहाँ भी फ्रेम चाहिए, तो आप रेफरेंस प्लेन बनाएंगे इस साइड से और मिड में बना देंगे, तो वो दोनों तरफ भी मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है। सबको हमने ओके किया और 8 इंच का जो हमारा 8.8 mm का हमारा जो पार्ट है वो आ जाएगा। तो इंच करना है तो हम यहाँ से कर देते हैं 0.2 inch, ओके। जो थिकनेस है हमारे ग्लास की वो आ जाएगी। यहाँ से हमें सेंटर में रखना है, या फिर इसी की थिकनेस हम इतनी रखते हैं कि हमें ग्लास की तरह वो शो हो। ये जो पार्ट है, अब क्या होगा, हम रियलिस्टिक में देखते हैं इस पार्ट को। रियलिस्टिक दोनों पार्ट सॉलिड आ रहे हैं। अब हम सेकंड पैरामीटर ऐड करते हैं, सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से आप जाइए और यहाँ पे शो कर दीजिए फ्रेम मैट। इतना हो गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है, ये क्या है, हमारा ग्लास पार्ट है, तो ग्लास पार्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, ऐड एंड देन ग्लास, ग्लास, ओके। दोनों पैरामीटर ऐड कर दिए हमने, और हाइट का पैरामीटर किस तरीके से ऐड किया है वो भी हमने ऐड कर दिया। कहाँ पे आप एक्सटीरियर पे जाइए, इस प्लेन को सिलेक्ट करिए, आपका सेंटर पार्ट आ चुका है। इस प्लेन पे जाइए, आपका मिड पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट पे जाइए, आपका टॉप पॉइंट आ चुका है। जो हमने मिड बनाया है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से साइज चेंज करता हूँ तो साइज चेंज हो जाएगा, मिड का जो पैनल दिख रहा है आपको, तो जो आप साइज डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट शो करेगा। हमने ये लॉक कर दिया टारगेट। डायमेंशन आपको लगानी है सिर्फ, और डायमेंशन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको पैरामीटर देना है उसको, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसको भी पैरामीटर देना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक फ्रेम का सेलेक्ट करके पैरामीटर दे दीजिए। बट अभी हमें यहाँ पे कोई पैनल नहीं लगाना है बीच में, मलियन आप लगा सकते हैं, पार्टीशन लगा सकते हैं। इतना हो गया विंडो में। लोड इनटू प्रोजेक्ट करिए और आप चले जाइए किसी भी प्रोजेक्ट में। आप यहाँ पे जैसे ही आके विंडो लेंगे तो जो आपने विंडो बनाई है वही विंडो आपकी अप्लाई होगी। आगे विंडो, बट देखिए कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई फ्रेम का कलर नहीं है, तो हम सेलेक्ट करते हैं इसको और एडिट टाइप में जाते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल एंड फिनिश भी हमने खुद से ऐड किया है, विंडो में कंप्लीट खुद बनाया है, तो मटेरियल एंड फिनिश भी आ गया। हाइट भी हमारे पास है, विड्थ भी हमारे पास है, और जो हमने मिड पार्ट बनाया है वो भी हमारे पास है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 450 अप्लाई। तो जो मिड पार्ट है, आप डिफरेंस देखेंगे कि जो मिड पार्ट है वो ऑटोमेटिकली मूव हो गया, ठीक है। सिलेक्ट किया हमने, एडिट टाइप में गए और यहाँ से मैं इसको फिर से 600 mm कर देता हूँ। तो विंडो पे फोकस रखना है आपको, विंडो मूवमेंट के साथ दिखेगी जो पैनल्स है। इतना पार्ट होने के बाद एडिट टाइप में ही जाएंगे हम। फ्रेम मटेरियल हमें कैसा चाहिए वो आप मटेरियल डिफाइन करेंगे यहाँ से, किस तरह का मटेरियल चाहिए हमें, क्रोम में चाहिए, स्टील में चाहिए, ओके, अप्लाई, ठीक है। सेकंड हम यहाँ से ग्लास का मटेरियल ले लेते हैं, ग्लास, ये हमारा ग्लास हो गया, या ट्रांसपेरेंट ग्लास, ग्लास लेना है ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, एंड देन ओके। तो आप देखिए, आप विंडो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और जो शेप है आपकी क्रोम आ चुकी है। अब सेलेक्ट करिए, विंडो पे फोकस रखना है प्रॉपर कि विंडो का साइज किस तरीके से मूव करता है, मूवमेंट शो करता है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी विंडो है, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने 600 की बजाय यहाँ से कर दिया कि 750 रहे, जो हमारा गैप है 750, ये जो गैप है
और अप्लाई कर दीजिए तो वो गैप ऑटोमेटिकली बिल्कुल मिड में आ जाएगा 750। किसी भी विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के विंडो हो या फिर किसी भी तरह की पैरामेट्रिक फैमिली हो। प्रॉपर तरीका यही है, किसी भी पैरामीटर को ऐड करने के लिए रेफरेंस प्लेन आपको लेना है, उसको डायमेंशन से लॉक करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी फैमिली को बना सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।